नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल GdTech से। अगले टॉपिक के बारे में चलते हैं और वो हैं एमएस वर्ड के कंपोनेंट्स। तो चलिए अब हम एमएस वर्ड के कंपोनेंट्स के बारे में आपको कुछ बता दें। तो चलिए चलते हैं, फिर से एक बार देखते हैं कंप्यूटर की ओर कैसे हम एमएस वर्ड के कंपोनेंट्स के बारे में हम उनको जान सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा कि किस प्रकार हमने बताया कि एमएस वर्ड को क्यों वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर कहा जाता है, अब उससे आगे चलते हैं और हम बताते हैं कि एमएस वर्ड में जो मुख्य कंपोनेंट या उसके भाग होते हैं वो कौन कौन से हैं, मतलब कि एमएस वर्ड के कौन कौन से हिस्से हो सकते हैं जिसको हम बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एमएस वर्ड। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने एक लिस्ट जो है बन के आ गई है जो इसके कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले है टाइटल बार, दूसरे नंबर पर आता है क्विक एक्सेस टूल बार, तीसरे नंबर पर जो है वो है मेन्यू बार, चौथे नंबर पर है टूल बार, पांचवें पर है वर्क एरिया, छठे नंबर पे है स्क्रॉल बार और लास्ट में जो आता है वो है स्टेटस बार। तो दोस्तों, जैसे कि आपने लिस्ट में देखा कि हमने कौन कौन से कंपोनेंट बताए हैं, अब हम एमएस वर्ड में उनको देखते हैं कि वो कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले था हमारा टाइटल बार। जैसे कि आप एमएस वर्ड की होम स्क्रीन पे देख रहे हैं, सबसे ऊपर हमें एक बार दिखाई दे रही है और जिस पे इस एप्लीकेशन का टाइटल लिखा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो इससे ये साबित होता है कि ये हमारी टाइटल बार है। दूसरे नंबर पर जो आती है वो है हमारा क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस जल्दी से काम को करना या अपने कुछ ऐसे टूल जिनको हम जल्दी से प्रयोग कर सके उनको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, जो कि हमारे टाइटल बार के लेफ्ट साइड दिखाई दे रही है। जैसे कि ये कुछ कंपोनेंट्स हैं, ये हमारे होंगे क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार के बिल्कुल साथ में आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट दिखाई दे जाएगी जिससे आप क्विक एक्सेस टूल बार में कुछ फंक्शंस को ऐड भी कर सकते हैं और उनको डिसेबल भी कर सकते हैं। तो ये थी हमारी क्विक एक्सेस टूल बार। तो अगला कंपोनेंट था हमारा मेन्यू बार। जैसा कि नाम से ही पता चलता है मेन्यू, जिसमें हमारे सारे फंक्शंस होंगे। तो देखिए, टाइटल बार के बिल्कुल नीचे एक बार दिखाई देगी आपको जिसमें होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू दिखाई दे रहा है। ये सारे हमारे एमएस वर्ड के मेन्यूज हैं जिससे हम एमएस वर्ड में अपना काम कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला अगली बार थी वो थी हमारी टूल बार। टूल मतलब कुछ ऐसे फंक्शन जिसके द्वारा हम अपना काम कर सकते हैं, नाम से ही टूल बार का पता चल रहा है। टूल बार जो है हमारी वो हमारी बिल्कुल मेन्यू बार की निचली बार होगी। जैसे कि मैंने होम को सिलेक्ट किया है तो आप देख सकते हैं उसमें कई ऐसे फंक्शंस हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं मेन्यू से मतलब मेन्यू बार से इंसर्ट को सिलेक्ट करता हूं तो इंसर्ट सिलेक्ट करने के बाद हमारी टूल बार में टूल जो है वो सभी के सभी चेंज हो गए, देख सकते हैं। तो समझ सकते हैं कि मेन्यू में जो भी फंक्शंस होंगे, जितने भी हम काम करेंगे, वो सारे के सारे हम टूल बार से कर सकते हैं। टूल बार से जो अगली बार हमारा होगा वो होगा हमारा वर्क एरिया। टूल बार के बाद जो हमारा कंपोनेंट होगा वो होगा हमारा वर्क एरिया, मतलब जिस पे हम अपना काम करते हैं। एमएस वर्ड में आपको एक ब्लैंक स्क्रीन दिखाई देती है
जिसमें हम अपना डॉक्यूमेंट लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है व्हाट इज योर नेम। ये जो हमारा पेज होता है ब्लैंक एरिया, उसको हम बोलते हैं वर्क एरिया। उसके बाद जो हमारा अगला कंपोनेंट आता है वो है हमारा स्क्रोल बार। स्क्रोल बार जो है उसका प्रयोग हम कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को देखने के लिए, मतलब कि जो डॉक्यूमेंट हमने खोला हुआ है अगर वो पूरी स्क्रीन पर दिखाई ना दे तो हम राइट हैंड साइड आप देख सकते हैं ये एक बार दिखाई दे रही है, जिसकी मदद से हम अपने डॉक्यूमेंट को पूरा देख सकते हैं, उसको हम बोलते हैं स्क्रोल बार। स्क्रोल बार को यूज करने के लिए आप अपने माउस की सहायता भी ले सकते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि माउस पर दो बटन बने होते हैं, लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक। सेंटर में हमारा एक बटन होता है जो कि स्क्रोल होता है, मतलब घूमता है। उस स्क्रोल बटन की सहायता से भी आप अपने डॉक्यूमेंट की जो स्क्रोल बार है उसकी प्लेसमेंट को चेंज कर, मतलब अपने स्क्रोल बार को प्रयोग में ला सकते हैं। और जो लास्ट में हमारा कंपोनेंट बचता है वो है हमारा स्टेटस बार। जैसे कि नाम से ही पता चल जाता है स्टेटस, ये हमारे एमएस वर्ड में जो हमने जो भी काम किया है, मतलब अपने डॉक्यूमेंट में जो भी कुछ लिखा है उसके स्टेटस को दर्शाता है। जैसे कि स्क्रोल बार से हमें पता चल गया कि हमने एमएस वर्ड में केवल एक ही पेज को ऐड किया है, तो आप देख सकते हैं स्टेटस बार में नीचे लिखा गया पेज 1 of 1, मतलब आपने एक ही पेज ऐड किया है और उसमें वही पेज जो है सेलेक्ट किया हुआ है और उसके साथ लिखा आ रहा है वर्ड्स 4, मतलब कि जो आपने अपने डॉक्यूमेंट में शब्द लिखे हैं वो लिखे हैं 4। जैसे कि इज योर नेम, ये जो शब्द हैं वो गिनती में हैं 4, तो इसलिए लिखा आ गया 4 words। जैसे ही मैं दो शब्दों को सिलेक्ट करता हूं तो स्टेटस में आ जाता है 2-4, मतलब कि आपने दो शब्द सिलेक्ट किए हैं 4 शब्दों में से। तो देखा दोस्तों आपने किस प्रकार हमने बड़ी ही आसानी से अपने एमएस वर्ड के जितने भी कंपोनेंट होते हैं उनके बारे में आज सीखा। तो दोस्तों कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो जिसमें हमने और एमएस वर्ड के कंपोनेंट्स के बारे में बताया। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो इसी वादे के साथ हम आपसे विदा लेते हैं कि एक और वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए